लीजिए इस बार गेंद आई है लपेटे में और गई है कहां, छह के लिए। मुझे लगता है मेरी बात सुन लिया करण ने। ये देखिए 85th सिक्स ऑफ द टूर्नामेंट। देखिए कई बार ना आप अपनी स्ट्रेंथ पे विश्वास रखिए और वो विश्वास रखा है यहाँ पे करण आर्यन ने। इस बार थोड़ी सी स्टंप्स की लाइन पे गेंद थी और इसी वजह से लपेटे में आ गई है गेंद। इस बार बड़ा शॉट है, छह के लिए शॉट है, टॉप शॉट। और बप्पा यहां खुश नहीं। और यहां देखिए 86 सिक्स ऑफ द टूर्नामेंट। I'll start playing there in the field. Who, according to you, is the ace of your team? Krishna? Shot. और पूरा डिस्टेंस, छह रन आया कृष्णा के बल्ले से। कृष्णा के छक्के की सबसे बड़ी खासियत यह कि वो या तो टू टायर पर जाता है या बहुत ही दूर तक जाता है और लगभग ये मेरे को लग रहा है कि 100 मीटर के आसपास का छक्का होगा। और बहुत ही बढ़िया स्ट्रोक वहां पर कृष्णा के बल्ले से निकलता है। कृष्णा एक ऐसे खिलाड़ी हैं जो इस मैच को कंट्रोल करते हैं। स्कोरबोर्ड प्रेशर जैसी कोई चीज कृष्णा के लिए लागू नहीं होती है। जब भी आते हैं अपने हाथों को खोलकर हर एक दिशा में शॉट्स लगाते हुए कृष्णा। बढ़िया शॉट उठा दिया इस बार, कोई भी फील्डर मौजूद नहीं, छह रन मिलेंगे। सिर्फ टाइमिंग का ये शॉट था। डार्लिंग कृष्णा एक बार फिर से अपने ओपोनेंट्स के लिए कमाल किए नहीं खेलते हुए। 89th सिक्स इस टूर्नामेंट का, फुल टॉस बनाया ऐसे और क्या गजब की टाइमिंग। और ये शानदार फुल टॉस, लो फुल टॉस, डीप मिड विकेट के बाहर, छह रन के लिए। करण भी पीछे नहीं रहेंगे। 73 रन की पार्टनरशिप हो गई है, 100 के करीब पहुंच चुका है कर्नाटका बुलडोजर्स का ये लीड। करण आर्यन और कृष्णा शानदार पारी खेल रहे हैं। और ये देखिए एक और फुल टॉस, उसे लो फुल टॉस को खेला। एक बार एक घुटने पे जाते हैं तो जब तक बॉल सीमा रेखा पार नहीं करती है इसका इंतजार करते रहते हैं, उसी पोज को होल्ड करके रखते हैं करण। और फिर हवा में खेला गया स्ट्रोक है और मुझे नहीं लगता है कि ये रोक पाएंगे। एक 6 रन वहां पर, दरवाजा छक्का आ गया उनका इस टूर्नामेंट का। सिक्सेस के साथ ही डील कर रहे हैं अब डार्लिंग कृष्णा बंगाल टाइगर्स के खेमे में। अब यहां थोड़ी सी निराशा, किच्चा सदीप जानते हैं कि 100 के ऊपर जितने ऊपर ये लीड जाए उतना मुश्किल ये होने वाला है। लेकिन डार्लिंग कृष्णा को सब सेलिब्रेट करते हुए, जब ये शॉट लगाते हैं तो ऐसा लगता नहीं है कि इतना फासला तय होगा, लेकिन उसके बाद जो ये दूरी तय होती है वो बहुत ही शानदार। करण साइक पर अब फुल टॉस, पुल किया, 6 रन मिलेंगे। क्या ये नो बॉल है ये भी देखना होगा। नो बॉल नहीं दिएगा, 9 ओवर्स 112 पर 3 कर्नाटका। प्रेशर में बॉलर, लेग साइड पर खेल दिया है, देखते रह जाएंगे, निहारते रह जाएंगे फील्डर्स। एक और छक्का, पप्पा दया परेशान, लेकिन करण आ चुके हैं अब 49 पर।